ये है कोई स्पॉट है लाल दरवाजा के अंदर दोस्तों। ये सब चीज़ें 100-100 रुपए में मिल रही है आपको। दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नवा वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, आपको बताएंगे अहमदाबाद की सबसे बिजीएस्ट मतलब सबसे क्राउडेस्ट और सबसे चीपेस्ट मार्केट इन अहमदाबाद, जो कि है लाल दरवाज़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको कपड़े से लेकर जूते चप्पल कपड़े जो कुछ भी चाहिए आपको अहमदाबाद में सबसे चीपेस्ट वे में चीपेस्ट रेट में आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं लाल दरवाज़ा, जो कि है अहमदाबाद की सबसे बिगेस्ट मार्केट। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की ये मार्केट है, कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लाल दरवाज़ा का जो बस टर्मिनस है, ये हाल में कुछ नवा बना है, कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से आपको सभी जगह की बस देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरह से ये दिखता है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आपको ऑल ओवर अहमदाबाद में जहाँ कहीं भी लोकल एरिया में घूमना हो वहाँ की आपको बस देखने को मिलेगी। इसके कुछ इतने सारे टर्मिनल्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से हम निकल जाते हैं टर्मिनल्स, आपको जैसा देख पा रहे हो ऑल पूरा रेलवे स्टेशन में जैसा होता है कुछ इसी तरह से आपको दिख रहा है। पूरी तरह से सब जगह की बसेस यहाँ से आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। ये कुछ हम आ गए हैं टर्मिनल्स बस टर्मिनल्स से बाहर और अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर, जहाँ पर सारी खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह बिकते हैं। हालांकि दिवाली का दिन है तो दिवाली के दिन करीब आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आप जैसा देख पा रहे हो। दोस्तों ये है मार्केट लाल दरवाज़ा की, जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बसेस खड़ी हैं इस तरह से, जो कि ऑल ओवर अहमदाबाद में घूमती रहती हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, और जो ये पार्किंग है। तो दोस्तों ये है लाल दरवाज़ा का पार्किंग एरिया। अगर आप व्हीकल लेकर यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर 20 रुपीज़ टू 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ पर पार्क कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से कुछ मार्केट है, काफ़ी बिजी है और काफ़ी क्राउडेड मार्केट है यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही भीड़ है। जैसा कि जानते हो कि हर एक सिटी में जिस तरह से एक पर्टिकुलर एक मार्केट होती है जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, कुछ उसी तरह से ये भी है। और यहाँ पर ये नॉर्मल खाने पीने की मार्केट। दोस्तों दिवाली का दिन चल रहा है इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। हम आपको पूरी मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे कि किस तरह से दिखती है, क्या क्या है एक्चुअल मार्केट, जो कि आप देख पा रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों दिवाली के हिसाब से ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही सॉलिड क्राउड है दोस्तों, नेक्स्ट लेवल क्राउड है, नेक्स्ट लेवल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुछ इतना क्राउड देखने को मिलेगा। हालांकि ये दिवाली आ रही है, इस क्राउड का रीज़न है दिवाली। दोस्तों ये यहाँ पर कोई एक मंदिर है। दोस्तों ये देखो बच्चों की चीज़ें, ये दिवाली की कुछ चीज़ें दोस्तों बिक रही है यहाँ पर। दोस्तों ये चप्पल हैं। दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये कुछ लेडीज़ की चीज़ें हैं यहाँ पर। दोस्तों बहुत ही भीड़ है, इतनी भीड़ तो मैं नहीं झेल पाऊँगा। मुझे बहुत ही जल्द ब्लॉग शुरू करके ख़त्म करना पड़ेगा, इतनी भीड़ में चलने को भी नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह भीड़ है। दोस्तों देख सकते हो कुछ किस तरह से भीड़।
ये माटे मजे लो। दोस्तों नेक्स्ट लेवल की भीड़ है यहाँ पर। इस तरह का दिवाली का सारा सामान यहाँ पर बिक रहा है, दोनों तरफ इस तरह ज़मीन पे सारी चीज़ें बिक रही है दोस्तों मार्केट में, और बहुत ही सस्ते में हम रेट भी पता करेंगे क्या है कितने का है। ये कुछ सैंडल्स हैं, ये कपड़े हैं। It's a too busy crowd. It is too much busy crowd. दोस्तों आप आगे देख पा रहे हो कि वहाँ पे तीन दरवाजा है, तो उसको तीन दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों कुछ लोग लड़ रहे हैं बार्गेनिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ बहुत सारी गली हैं, अलग अलग गलियों में अलग अलग तरह की मार्केट है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से देखो ये पूरी मार्केट आप देख पा रहे हो। इस तरह से दोस्तों इस तरह से तरह तरह की चीज़ें मिलने को आपको देखने को आपको मिल जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, हालांकि ये लेन अलग अलग लेन है, अलग अलग गली गई है, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे, तो आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर जूते हैं, हालांकि ये रेट बहुत चीप होता है इनका, आप बाय कर सकते हो ईजीली। और देखो आगे पूरा रोड जाम है दोस्तों। कितने का है ये आंटी? क्या वीडियो उतारा? हाँ क्या लेने का? इसलिए इसका दो नहीं होगा ना। ठीक है ठीक है। दोस्तों इस तरह से पूरी बिजी लेन है। दोस्तों बहुत ही पसीने पसीने हो गया, गर्मी बहुत लग रही है। तो दोस्तों जैसे ही आप लाल दरवाजे से सीधे सीधे आओगे, उसके बाद आपको ये तीन दरवाजा आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, और आपको तीन दरवाज़ा इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा आगे तीन दरवाज़ा है, तो दोस्तों वहाँ से जो मार्केट है वो ही लाल दरवाजा की मार्केट कहलाती है, बट यहाँ से तीन दरवाजा की मार्केट भी इसे कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्केट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो जिस तरह से यहाँ पर फ्रूट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बिजी लेन है, त्यौहार का टाइम है दोस्तों, इसलिए इतना क्राउड देखने को मिल रहा है, वरना फिर भी आपको रनिंग डेज में भीड़ तो यहाँ पर आपको यूजुअली देखने को मिलती ही है, बिकॉज ऑफ ये मेन मार्केट है अहमदाबाद का, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये पूरा मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि ये जो मुंबई की जो मुंबई और दिल्ली की जो मेन मार्केट होती है ना, खान मार्केट, खान बाज़ार मुंबई की, फिर अलग अलग फैशन स्ट्रीट, पूरा वैसा ही फील आ रहा है। दोस्तों ये हम आ गए हैं तीन दरवाज़ा की मार्केट, यहाँ से लाल दरवाज़ा की मार्केट एंड होती है और तीन दरवाज़ा की मार्केट शुरू होती है, जो कि बहुत ही बिजी लेन है। तो दोस्तों ये है लाल दरवाज़ा का क्राउड, जो कि ये मार्केट है, यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं सारी। आप देख पा रहे हो दिवाली के हिसाब से बहुत क्राउड है, बिकॉज़ ये लास्ट सैटरडे है और नेक्स्ट सैटरडे तक तो दिवाली आ जाएगी।
टू मच क्राउड। दोस्तों वो देखो बस, इतनी भीड़ के अंदर बस भी आ गई वहाँ पर। दोस्तों ये है अहमदाबाद का लाल दरवाज़ा मार्केट, जो कि बहुत ही बिजीएस्ट है, और कितना क्राउड है आप देख सकते हो। और ये अंदर कुछ बैठने के लिए है, और ये बस, यहाँ से मतलब आपको बस से भी आ सकते हो और बस जाती भी है, ऐसा कुछ गुजराती में लिखा है, कोई एक्सप्रेस बस है। तो यहाँ से ही हमने ली थी एंट्री, यहाँ से ही ले लेते हैं एग्ज़िट, क्योंकि आगे तो बहुत भीड़ है, जाना मुश्किल है, वहाँ पे दब जाऊँगा, और बहुत ही गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो ये है कोई स्पॉट है लाल दरवाजा के अंदर, कोई स्पॉट है, आई डोंट नो कौन सा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें 100-100 रुपये में मिल रही है आपको। दोस्तों ये है मेन गेट, यहाँ से हम वापस ले रहे हैं एग्जिट। ओके दोस्तों, तो वीडियो होता है समाज में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि आपने देखा लाल दरवाज़ा मार्केट कितना क्राउड था दिवाली के हिसाब से, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।